असॉन् चीमा वेलकम बैक विद अनदर वीडियो दिस वीडियो इज़ अबाउट साहिवाल ऑर्चर्ड रॉयल ऑर्चर्ड साहिवाल एंड इस वीडियो में मैं आपको रॉयल ऑर्चर्ड साहिवाल में जो uh, चार पॉइंट्स मेन है उसके हाले से बताऊँगा सबसे पहली बात कि रॉयल ऑर्चर्ड साहिवाल की लोकेशन क्या है क्योंकि ये पहली वीडियो रॉयल ऑर्चर्ड साहिवाल की तो उसकी लोकेशन नंबर टू के वहाँ पे साइजेस ऑफ प्लॉट्स के वहाँ पे किस साइज़ के प्लॉट्स हैं नंबर थ्री उन प्लॉट्स की प्राइजेज़ एंड नंबर फोर के रॉयल ऑर्चर्ड साहिवाल के मेन फीचर्स क्या हैं कि जिसकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल को यहाँ पर प्लाट लेने के बारे में कंसिडर करना चाहिए सबसे पहले बात करते हैं जी रॉयल ऑर्चर्ड साहिवाल की लोकेशन के हवाले से इस वक्त हमने स्क्रीन पर रॉयल ऑर्चर्ड साहिवाल का जो साइट मैप है देख सकते हैं और रॉयल ऑर्चर्ड साहिवाल में टोटल जो प्लाट्स बनते हैं वो बहुत नंबर्स में बहुत कम है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी सोसाइटी नहीं है ये एक छोटी सोसाइटी है जो सोसायटी नेबरहुड की बात करें तो साहिवाल से हार्डली इसका डिस्टेंस जो बनता है वो लेस दैन थ्री किलोमीटर बनता है प्लस जो मेन इसकी इंपॉर्टेंट बात बनती है लोकेशन की कि मेन एन एच फाइव नेशनल हाईवे फाइव या ग्रैंड ट्रंक रोड जे टी रोड से इसका डिस्टेंस लेस देन वन माइल है और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कॉमसेट यूनिवर्सिटी के साथ जो कामसेट साहिवाल का साहिवाल कैंपस है उसके साथ बिल्कुल एडजस्टेंट है एडजस्टेंट होने का एडवांटेज ये है कि ये बतौर अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये वाले जो प्लॉट्स बनते हैं अगर बैठ से आप कंस्ट्रक्शन करके इन पर बतौर इनको हॉस्टल भी यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनकम आ सकती है जिसकी प्राइम एग्जाम्पल इस्लामाद कॉम्पर्ट के सामने रॉयल एवेन्यू अल सद एवेन्यू है जहाँ पर हॉस्टल्स की कीमत आप अगर आप पता करें किसी इंडिविजुअल से जो यहाँ पे रहते हैं या रह है के गए हैं तो डेफिनेटली आपको आइडिया होगा ये कितना सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर यहाँ पे क्रिएट हो सकता है प्लस यहाँ पे तीन कैटेगरी के प्लॉट की अगर बात करें तीन कैटेगरी के प्लॉट में यहाँ पे फाइव मरला सेपरेट ब्लॉक है पूरा और दस मरला का सेपरेट ब्लॉक है और इसके अलावा वन कनाल का ब्लॉक है तीन कैटेगरी के अलावा यहाँ कोई प्लॉट्स नहीं है सबसे बड़ा एडवांटेज जो यहाँ पे बनता है कि इसकी लोकेशन एडजस्टेंड होने के साथ साथ एक ओपन लोकेशन है यानी सराउंडेड बाई फील्ड्स है तो आपको छोटे घर में भी पाँच मरले घर में भी आपको फार्म हाउस वाली फील मिलेगी क्योंकि ओपन सराउंडिंग ओपन नेबरहुड होने के साथ साथ इसकी पूरी सोसाइटी की बाउंड्री वॉल्ड है जो भी मैं ड्रोन की वीडियो में आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज के वट आर द साइज ऑफ प्लॉट्स इन रॉयल ऑर्चर साहिवाल रॉयल ऑर्चर्ड साहाल में तीन तरह के प्लॉट्स हैं नंबर वन इज ट्वेंटी फाइव इंटू फोर्टी फाइव या पच्चीस बाई पैंतालीस का प्लॉट स्क्वेयेर यार्ड्स में अगर बात करें तो एक सौ पच्चीस स्क्वेयर यार्ड का प्लॉट बनता है अगर हम बात करें नंबर टू कैटेगरी की तो नंबर टू कैटेगरी बनती है वो बनती है थर्टी फाइव इंटू सिक्सटी फाइव और स्वेयर यार्ड्स में अगर बात करें तो टू हंड्रेड एंड स्क्वायर यार्ड अगर नंबर थ्री कैटेगरी की बात करें तो नंबर थर्ड जो कैटेगरी बनती है बनती है 15 टू 90 और स्क्वायर यार्ड में बात करें तो ये प्लॉट बनता है 500 स्क्वायर यार्ड का या वन कनाल का प्लॉट इसे आम जुबान में कहा जा सकता है यहाँ पे जितने प्लॉट्स हैं उनकी अच्छी बात ये है कि ये तमाम के तमाम प्लॉट्स डेवलप्ड हैं और पोजेशनेबल हैं और उससे भी अच्छी बात ये है कि आप सिर्फ 20 परसेंट पर बुक करवा के यहाँ पे प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के अलावा इसमें जो मजीदी एडवांटेज या ऑप्शन ये आता है कि अगर आप कोई कैटेगरी प्लाट चूज़ करते हैं लेट्स से कॉर्नर पार्क फेस मेन रोड या इस तरह का कोई भी प्लाट आप चूज़ करते हैं तो उस कैटेगरी के एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके आप वो कैटेगरी भी चूज़ कर सकते हैं विदाउट गोइंग इन टू द बैलटिंग तो यहाँ पर एक जो एडवांटेज बनता है इस लिहाज से वो ये बनता है अब बात करते हैं नंबर थ्री पॉइंट जो वो है इनके प्राइजेस के हवाले से अगर प्राइजेस की बात करें तो पाँच मरला का जो प्लाट है उसकी जो प्राइज है वो बनती है पाँच लाख रुपए पर मरला और टोटल जो कॉस्ट बनती है प्लाट की वो बनती है पच्चीस लाख सिर्फ पाँच लाख रुपये से आप पोजेसन लेके के प्लाट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं यानी कि सिर्फ पाँच लाख डाउन पेमेंट दे बाकी आपका तीन साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है और अगर आप कैटेगरी चूज करते हैं तो उसके चार्जेस भी आप ऑन स्पॉट पे करके अपने प्लाट का पोजेसन ले सकते हैं नंबर टू इसमें जो दस मरला के प्लाट हैं दस मरला के प्लाट की अगर प्राइस की बात करें तो बनती है साढ़े

एटी लाख रुपीज़ का टोटल प्लॉट बनता है अगर लमसम पे करते हैं तो आपको इसमें आठ लाख रुपये का यानी दस परसेंट डिस्काउंट भी है और अगर आप, आप ओवरऑल इस प्लॉट की कंस्ट्रक्शन की बात करें कि आप प्रोजेशनबल प्लॉट पर लेकर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं तो, तो सिर्फ ट्वेंटी परसेंट यानी अस्सी लाख का ट्वेंटी परसेंट आपको बनता है सोलह लाख रुपये तो सोलह लाख रुपये से आप अपनी मर्जी का प्लॉट चूज करके उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं ये तो होगी साइजेस की बात और प्राइजेस की बात अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट दैट इज़ द मेन फीचर्स के रॉयल ऑर्चर्ड साहिवाल में मेन फीचर क्या है कि जिसकी वजह से यहाँ पर वर्थ करती है सबसे पहली बात कि रॉयल ऑर्चर साहबाल की प्राइजेस हैं वो इंस्टॉलमेंट्स पे हैं और पोजेशनेबल प्लॉट हैं और मर्जी के प्लॉट मैप पे चूज करके सेलेक्ट करके आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप नेटिवली उकाड़ा साहिवाल गैम्बर उकाड़ा कैंट या इस साइड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो क्यों क्योंकि आप साहिवाल सिटी के अंदर जब जिसमें वीडियो के स्टार्ट में बात करी थी कि अगर आप साहिवाल सिटी के अंदर देखें प्लाट्स की प्राइजेस का तो बनते हैं आठ से ग्यारह लाख पर मरला जो कि एवरेज लोकेशन हैं अगर अच्छी जगह पर जाके बात करें साहिवाल में तो आपको जो प्लाट मिलते हैं वो बनते हैं तकरीबन पंद्रह लाख रुपये पर मरला विद इन सिटी जैसे मैंने बात की दस से पंद्रह लाख पर मरला प्लाट है और वो कैश के प्लाट्स हैं कैश के प्लाट्स हैं तो डेफिनेटली आपको जो पाँच महल का प्लाट है मिलेगा पचास लाख का दस महल का प्लाट मिलेगा मिले आपको डेफिनेटली महंगा मिलेगा एक करोड़ का तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो यहाँ पे जो प्राइज आपको बनती है वो बनती है डिवेल्प प्लॉट की उसी रीजनेबल ब्रैकेट में इंस्टॉलमेंट पे यानी कि आप ट्वेंटी परसेंट पर प्रदर्शन वाला प्लॉट ले सकते हैं एक ऐसी सोसाइटी में जिसमें तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं यानी कि यहाँ पर सोसाइटी के अंदर मॉस्क रेडी है पार्कस रेडी हैं स्कूल पे काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है प्लस यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी बिल्कुल प्रेमिसज के साथ है तो ये सारी फैसिलिटीज़ प्लस हॉस्पिटल जो लेस एन टू माइल्स के डिस्टेंस पे है तो ये सारी फैसिलिटीज़ का होना प्लस जितनी भी यहाँ पे नेबरहुड है वो सारी वॉल्ड कम्युनिटी यानी चारों तरफ से सोसाइटी के बाउंड्री वाल्ड है तो सिक्योरिटी के यहाँ पे इंतजाम 100 परसेंट मुकमल होते हैं इसके बाद अगर सेकंड बात करते हैं जैसे मैं वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि इन प्लॉट्स में जितने प्लॉट्स बनते हैं बतौर इनको एज़ ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी यूज़ किया जा सकता है वो इस तरह से कि अगर इस्लाम में अगर आप देखें कॉम्सर्ट्स इस्लामा के ऑपोजिट साइड पे दो आ, सोसाइटीज़ कह लें छोटी मोटी रॉयल एवेन्यू और अलसईद एवेन्यू वहाँ पे दस मरला रेजिडेंशियल प्लॉट यानी कि रेजिडेंशियल प्लॉट है लेकिन उसके अंदर जो रेंटेन्ट्स रहते हैं उनकी वजह से वहाँ पे जो प्राइजे है इस वक्त पर मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की तकरीबन पैंतीस लाख से चालीस लाख पर मरला प्लाट की प्राइस है जस्ट बिकॉज उसके रेंटल वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनको यहाँ पे अकोमोडेट वो अपने आपको यहाँ पर करते हैं तो उस वजह से यहाँ पर प्राइजेज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं अब कॉन्सर्ट में बारह हज़ार स्टूडेंट्स हैं मैंने सहिवाल की अगर स्ट्रेंथ की बात करूँ स्टूडेंट्स की तो बंदी तकरीबन साढ़े चार हज़ार तो यहाँ पर सराउंडिंग में

साथ साथ एक ऐसी लोकेशन पे वाक्य है कि जिसकी वजह से जितने भी नेबर हैं वो ईजिली कनेक्टेबल हैं दूसरी बड़ी एडवांटेज जो एक आप कह कि टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पंजाब की सराउंडिंग को देखें तो चारों तरफ जो है वो बिल्कुल ओपन फील्ड हैं प्लस एक सोसाइटी के बिल्कुल अपोजिट साइड से एक नहर गुजरती है कनाल है तो उसका एडवाटेज बनता है सोसाइटी पर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि चारों तरफ ग्रीनरी है और ग्रीनरी होने के साथ साथ ओपन स्पेसिस हैं तो लोग फार्म हाउसेज पर क्यों जाते हैं वो इसलिए जाते हैं कि ओपन स्पेसिज होने के साथ साथ वहाँ पर एक बहुत अच्छी वेंटिलेशन बनती है ड्यू टू एयरफ्लो तो यहां पर यह होगा कि बहुत अच्छी वेंटिलेशन बनेगी क्योंकि सराउंडिंग जो ओपन होती हैं उनका एडवांटेज जो इजाफी होता है प्लॉट पे वो ये होता है कि नेबरहुड में कभी भी वो घुटन वाला माहौल नहीं बनता क्योंकि हमेशा एक अच्छी हवा की वेंटिलेशन होती है वहां से तो वो एक अच्छा एडवांटेज बन जाता है तो साहिवाल ऑर्चर्ड में अब मैंने बात कर ली ये बन गई हमारे चार पॉइंट सबसे पहला लोकेशन नंबर टू साइज ऑफ प्लॉट नंबर थ्री प्राइज ऑफ प्लॉट्स और नंबर फोर के अम्यूनिटीज अब बात करते हैं साइवाल ऑर्चर्ड में आप लट से बतौर इन्वेस्टर देखें तो आपको बाय करना चाहिए या नहीं अगर आप बतौर एंड यूजर देखें तो आपको बाई करना चाहिए या नहीं अगर आप बतौर एंड यूज़र देखें और आप साहिवाल के नेबरहुड में ही रहते हैं और आपका अपना घर नहीं है आप इंस्टॉलमेंट्स पे घर प्लॉट अफोर्ड करते हैं अभी घर बनाना अफोर्ड नहीं करते लेकिन प्लॉट अफोर्ड करते हैं घर क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसका स्टार्टअप आप एक बार लें तो आपका निचली कहीं ना कहीं वो चलता रहता है क्योंकि घर के अंदर आपको मैं बींग अ बिल्डर ही बात बता रहा हूँ कि घर के अंदर तकरीबन फोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने पूरे घर की कॉस्ट को डिवाइड बाय 42 करें तो इतने पैसे आपके पास एक वक्त में होम लेट से पास डेढ़ लाख भी है तो आपके घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है और आपके पास डेढ़ लाख से ज़्यादा है तो तब भी स्टार्ट है डेढ़ लाख से कम भी है तो आप मैनेज कर लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन जब इंस्टॉलमेंट प्लॉट होता है तो बेसिकली जो आपने पैसे कैश पे पे करने के बाद कंस्ट्रक्शन पे लगाने होते हैं तो इंस्टॉलमेंट के दौरान आपके पैसे वो इंस्टॉलमेंट से जाते रहते हैं साथ साथ आपका घर बनता रहता है जैसे आपको पीछे दो घर तो इस वक्त एक तकरीबन कंप्लीट है और एक जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है आपको नजर आ रहा है और इसके अलावा राइट कॉर्नर पर अगर देखें तो वहाँ पर भी दो घर ऐसे हैं जिनका ग्रेय स्ट्रक्चर रेडी है और जिन पर कंस्ट्रक्शन हो रही है और इस वक्त हम स्क्रीन पर मार्केटिंग ऑफिस देख रहे हैं जहाँ पर आप प्लॉट की ट्रांसफ़र सेल परचेज जितने काम हैं वो यहीं पर होते हैं और वो पीछे वाली साइड पर जो मैंने अभी मार्क किया है ये एक मार्की बन रही है जो सोसाइटी के अंदर जो भी यहाँ पर रेजिडेंट्स होंगे जब आने वाले दिनों में उनकी फैमिलीज़ में कोई इवेंट्स होंगे वो उस मार्की को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सराउंडिंग में उन्होंने सारी फैसिलिटीज़ एक ही जगह पे एक ही नेबरहुड में एक ही बाउंड्री वॉल के अंदर प्रोवाइड करने का मकसद ये था कि यहाँ पर जितने लोग जब बाय करें तो उनको बेसिकली प्लॉट के पैसों में वो घर बाय करें जैसे आप इंस्टॉलमेंट्स पर घर लेते हैं इस केस में आप बना बनाया घर नहीं तो आप खुद घर प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे है डेवलप प्लॉट है पोजेशनबल प्लॉट है तो खुद जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपका बेसिकली वो इंस्टॉलमेंट वाला घर ही होगा लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होगा कि वो घर आप खुद बना रहे होंगे और अपनी मर्जी से बना रहे होंगे लेट से कि आपका डबल स्टोरी अफोर्ड नहीं करते सिंगल स्टोरी बना लें सिंगल स्टोरी अफोर्ड नहीं करते ग्रे स्ट्रक्चर बना लें ग्रे स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं करते जब तक आप जितने अफोर्डेबिलिटी ब्रैकेट आपकी है आपको कोई इंडिविजुअल आगे ये नहीं कह रहा कि घर बनाएं या पैसे पे करें घर के इंस्टॉलमेंट पे घर लिया होता है तो डेफिनेटली आपको जिस रिस्पेक्ट बंदे से या सोसाइटी से या जिस कंपनी से आपने लिया होता है वो कॉल्स करते हैं इंस्टॉलमेंट के लिए तो यहाँ पे सिर्फ आपने प्लॉट्स के पैसे पे करने हैं अपनी इंस्टॉलमेंट रेगुलर पे करनी है घर के लिए आपके हाथ आप में ओपन एडवांटेज आप जैसे चाहें उसको अवेल कर सकते हैं सो वो दिस वॉज इट फॉर टूडे अगर आपको कोई भी बुकिंग के हवाले से रॉल आर्चर साहिवाल लाहौर स्मार्ट सिटी या कैपिटल स्मार्ट सिटी में मैं, मैं मालूम चाहिए हूँ तो मेरा नंबर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर अवेलेबल है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस